हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के कुछ पार्ट पढ़े थे, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड। ठीक है, आज का हमारा एक और पोर्शन बचा हुआ है अभी कंप्यूटर में, जो कि आपके रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटरनेट में सबसे पहले, इंटरनेट से पहले हमें पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कौन कौन से कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क होते हैं, और ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं कि जो एबल बनाते हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं, जो एबल बनाते हैं कंप्यूटर को कि वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। द कंप्यूटर में बी कनेक्टेड वाया एनी डेटा कम्युनिकेशन लिंक लाइक कॉपर वायर्स, रेडियो लिंक। इट इज़ आपके जो कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो वाया केबल के थ्रू भी अटैच हो सकते हैं, नहीं तो वो आपका वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी अटैच होते हैं। दे मे बी पर्सनल कंप्यूटर और लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकते हैं और लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर भी होते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क मे बी लोकेटेड इन अ रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री और एनी वेयर इन द वर्ल्ड। आपका साइज के हिसाब से आप अपने कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। वो एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, एक हाउस में भी हो सकता है, एक कंट्री में, या वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव ओपन अप एन इंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल अडॉप्ट करता है। आगे आप समझेंगे क्या होता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट कौन है? आप हैं, जो कि आप कंप्यूटर को कुछ बोल रहे हैं करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ इमेज चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करते हैं इमेज, तो आप क्या है, एज अ क्लाइंट हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर आपका इंटरमीडियरी का काम करता है, जो कि हो सकता है कहीं तीसरी जगह वो इमेज मेंटेन हो, बट आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, सर्वर वहाँ से वो इमेज ढूंढता है और लेकर आता है आपके लिए, और फिर आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फाइल शेयर करता है, फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर हो सकती है। रिसोर्सेज, और भी रिसोर्सेज, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, शेयर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन होता है, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सेस है, यानी कि आप नेटवर्क अलाउ देयर यूजर्स टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू आउट द नेटवर्क। फ्लेक्सिबल एक्सेस है, आप कभी भी किसी भी टाइम फाइल वगैरह या जो भी मीडिया वगैरह है वो आप शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ क्या है? साइमल्टेनियसली एक्सेस, फर्स्ट है आपका साइमल्टेनियसली एक्सेस, यानी कि एक साथ आप कई सारी चीज़ों को काम कर सकते हैं। जैसे आपने आप क्या कर रहे हैं, एक साथ व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, इंटरनेट पे भी कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, और कोई दूसरी वेबसाइट फेसबुक भी चला रहे हैं, तो इस तरीके से एक साथ साइमल्टेनियसली आप एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को। फर्स्ट है आपका पर्सनल कम्युनिकेशन, आप अपना पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं मैसेजिंग के थ्रू, जनरली IRC के थ्रू। IRC क्या है? आपका इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, IRC इंटरनेट रिले चैट जिसको बोलते हैं, यानी कि ऑन द स्पॉट। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर हैं तो दूसरा भी उसी प्लेटफॉर्म पर है, जिसमें आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल जाता है। उसी जगह पे व्हाट्सएप है, जिसपे आप मैसेजिंग कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो आप अपना पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि आप अपने लोगों से, अपने पर्सनल लोगों से बात कर सकते हैं। ईजियर बैकअप, इस चीज़ों को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज वगैरह देखा होगा, रिकॉर्ड रहता है, आप कभी भी स्टोर रहता है, आप कभी भी इसका बैकअप ले सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी जाकर कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, आप इसमें कुछ भी पेरिफेरल, कुछ भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो नेटवर्क के जो टाइप्स हैं, नेटवर्क को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द नेटवर्क, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो साइज के हिसाब से जो आपके नेटवर्क के टाइप हैं वो आपके 3 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका लैन, सेकेंड है वैन, एंड थर्ड है आप मैन, एंड थर्ड है आपका वैन। लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फर्स्ट है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है कि वो आपके लोकल एरिया को कवर करता है। साइज़ के हिसाब से हम नेटवर्क को बांट रहे हैं, क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से देखा जाता है। लैन आपका लिमिटेड एरिया को कवर करने का काम करता है। LAN is a computer network widely used for local communication. LAN connects computers in a small area like a room, building, office or a campus, spread up to a few kilometers.
दे आर प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क टू चेंज इन्फॉर्मेशन। लैन आपका हो सकता है, आप एक बिल्डिंग की बात करें अगर, तो एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर है, 10 पीसी है, तो 10 पीसी को कनेक्ट करने में जो आपको हेल्प करता है वो आपका लैन होता है, क्योंकि वह एक बिल्डिंग, एक ऑफिस या एक स्कूल के लिए होता है। लैन की जो स्पीड होती है वो 10 Mbps टू 100 Mbps होती है। अ लैन बेस्ड ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये आपका अपने जैसे आप वाईफाई लेते हैं, ठीक है, आप Mbps, और अ लैन बेस्ड ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू लैन। देखिए वायरलेस लैन जो होता है वो आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपके घर पे ही कोई अपने बिल्डिंग के लिए या अपने घर के लिए वाईफाई कनेक्शन लेता है, तो उस पर्टिकुलर हाउस में, घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन होंगे या कंप्यूटर होंगे, उस पर्टिकुलर वाईफाई से अगर आप वाईफाई का पासवर्ड है आपके पास तो उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आप लैन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। लैन आपका कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, कोई एक हब होता है, हब से आपके जितने कंप्यूटर होते हैं या मोबाइल फ़ोन वगैरह है वो आपका कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट आपका आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का जो एरिया है वो आपका अपने लैन और प्लस वैन के बीच का जो एरिया होता है वो आपका मैन का होता है, जो आपका एक बिल्डिंग कवर करता है, जो आपका एक सिटी कवर करता है। मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी, द कंप्यूटर्स इन अ मैन आर कनेक्टेड यूजिंग केबल्स। मैन आपका जो आपका केबल्स के थ्रू ऐड किया जाता है, केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। अ मैन कनेक्ट सेवरल लैन स्प्रेड ओवर अ सिटी, इट कवर द डिस्टेंस अप टू 30 to 50 किलोमीटर, 30 to 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करता है। और मैन जो होता है वो आपका कलेक्शन ऑफ लैन होता है, यानी कि एक लैन ये है, दूसरा ये लैन है, तीसरा ये लैन है, इन सबको मिलाकर लैन आपका मैन जो होता है वो आपका कई सारे लैन का कनेक्शन कनेक्ट करता है एक साथ, तो इसको हम बोलते हैं मैन। इस तरीके से देखा होगा, ये आपका लैन है, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपका लैन वर्क करेगा, वेयर हाउस में लैन, फैक्ट्री में लैन, एंड रीजनल ब्रांच ऑफिस में आपका लैन वर्क करता है, और इन सब को कनेक्ट कर सकता है आपका वैन। नेक्स्ट आपका आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जो आपका ओवरऑल वर्ल्ड कनेक्ट किया जाता है, जैसे आपका इंटरनेट है, इंटरनेट आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पर भी बैठ के किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, कहीं पर भी वो कंप्यूटर है अगर, तो वैन आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट का। वैन क्या है, वैन इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड वाइड। वैन यूजेस पब्लिक लीज्ड और प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वैन आपका पब्लिक नेटवर्क हो सकता है, जैसे आपका इंटरनेट है, आपका यह लीज्ड भी हो सकता है, रेंट पे लिया हुआ हो सकता है, या प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। प्राइवेट नेटवर्क जनरली हम इंट्रानेट की बात करते हैं, जो कंपनी अपने सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट यूज़ के लिए भी डेवलप करती है, लेती है। वैन यूजेस टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक एंड रेडियो लिंक टू कनेक्ट। ठीक है, वैन आपका वैन जो है वो इंटरनेट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वैन। वैन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम में सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इंटरनेट के जो फीचर्स हैं वो ही आपके वैन के फीचर्स हैं। वैन का कुछ इस तरीके से कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्क को जो हम कैटेगराइज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं लैन, मैन एंड वैन में। एंड नेक्स्ट आता है कि आप किस तरीके से कंप्यूटर का अरेंजमेंट करते हैं, नेटवर्क का अरेंजमेंट करते हैं, उसके आपको पढ़ना होता है टोपोलॉजी। ठीक है, तो टोपोलॉजी आपका क्या है, जनरली जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का या कंप्यूटर का, जिस तरीके से वो आपस में इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, वो जो तरीका है वो हमारा कहलाता है टोपोलॉजी। तो जनरली आपके पास ये 5 स्ट्रक्चर हैं, 5 वेज हैं, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर नेटवर्क को या कंप्यूटर को फैलाते हैं। फर्स्ट है आपका स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट है आपका बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी, नेक्स्ट है मेश, एंड नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी। एक एक करके पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, जिस तरीके से स्टार होता है, स्टार को जिस तरीके का शेप होता है, तो इसी शेप में हम कंप्यूटर को अरेंज करते हैं। द डिवाइस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड हब। एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम हब बोलते हैं, और इस तरीके का कुछ ये हमारा हब है, हब से हमारे सारे कंप्यूटर आपस में ज्वाइंट होते हैं।
तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, ये स्टार का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिखने में ये स्टार के जैसे लग रहा है, तो इसलिए इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट्स, किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट आपका है बस टोपोलॉजी, बस की तरह इसको अरेंज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके का, ये आपकी बस कुछ इस तरीके के शेप में होती है, ये बीच में कुछ स्पेस होता है और इससे आपके कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पर आपके हब हो सकते हैं, हब से आपके कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आपका आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या बोलता है, रिंग टोपोलॉजी जो होता है वो आपका रिंग के शेप में होता है, यानी कुछ इस तरीके के शेप में होता है। इसमें वन कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आपस में डेटा शेयर करते हैं, कुछ इस तरीके का शेप होता है। इसके डिसएडवांटेज एक चीज़ होता है कि इसकी स्पीड कम होती जाती है, इसकी स्पीड कम होती जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड 100 होगी तो इसकी स्पीड थोड़ा उससे कम होगी, फिर ये उससे कम होगी, उससे कम होगी। नेक्स्ट आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये मैश यानी कि हर एक कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एक कंप्यूटर आपस में ब्रेक होता है, कुछ फॉल्ट होता है, तो बाकी कंप्यूटर स्मूथली रन कर सकते हैं। बाकी ये रिंग टोपोलॉजी या जो बस टोपोलॉजी है उसमें आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, तो अगर एक भी कंप्यूटर सिस्टम आपका मिस हुआ या कुछ ख़राबी आ गई तो बाकी कंप्यूटर भी फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है कि कुछ ट्री का स्ट्रक्चर होता है। ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक जड़ होती है, उसकी कुछ शाखें होती हैं, नेक्स्ट उसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं, नेक्स्ट उसकी कुछ ब्रांचेज होती है, फिर इसकी कुछ ब्रांचेज, तो इस तरीके का शेप होता है। यानी कि एक कंप्यूटर से चार कंप्यूटर जुड़े होते हैं, फिर उन एक से फिर चार कंप्यूटर, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है नेटवर्क के लिए, इसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका पहला कंप्यूटर फेल हो गया तो बाकी के सारे कंप्यूटर भी आपके फेल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि नेटवर्क डिवाइस जो हम आपस में कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और जो उनके बीच ट्रांजेक्शन होता है, उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ रूल हैं कि कौन सी फाइल आपको शेयर करना है, कौन सी नहीं शेयर करना है, या जो जिस तरीके ह्यूमन के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है, कुछ डिसिप्लिन है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज संस्कार भी बोलते हैं, उसी तरीके से आपके नेटवर्क कनेक्शन में या कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है तो उसके भी कुछ एथिक्स, कुछ प्रोटोकॉल हैं, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज प्रोटोकॉल यानी रूल्स जो होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अ कंप्यूटर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई इंटरकनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटीज, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। प्रोटोकॉल आपके कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है आपका TCP, IP, HTTP, FTP, HTTPS। फर्स्ट आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कुछ भी ट्रांसमिशन करते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, TCP। IP, नेक्स्ट आपका आता है IP। IP क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर आप जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये भी आपका TCP का ही रूल है, आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए किस क्लाइंट को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपका मैच करवाता है IP, क्योंकि हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस कुछ डिजिटल फॉर्म में होता है, डॉट के फॉर्म में, 3 सेक्शन होते हैं, कुछ इस तरीके का हर एक सिस्टम का IP एड्रेस होता है, और वो जब आप एज अ क्लाइंट सर्वर को कुछ भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सर्वर आपकी पहचान करता है कि आपका किस IP एड्रेस से ये इन रिक्वेस्ट भेजी गई है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है एंड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट आप शेयर करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मीन्स कि कुछ अच्छी मीडिया यानी कि वीडियो शेयर करते हैं, इमेज शेयर करते हैं या कुछ डिज़ाइन इस टाइप से शेयर करते हैं, तो उनको हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो इनके शेयर के लिए आप HTTP का यूज़, HTTP आपका रोल वर्क करता है। तो HTTP जो होता है वो आपका पब्लिक यूज़ के लिए होता है, देखा होगा जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसमें लिखा होता है, कुछ इस तरीके से आपका लिखा होता है।
तो इसमें डोमेन नेम रहता है, यूज़र नेम और आपका ये HTTP रहता है। अगर आप पब्लिक रिसोर्स यूज़ करें तो उसमें रहता है आपका HTTP, और अगर आप प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेट के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये सिक्योर है, ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होते हैं। फर्स्ट आपका हब। अ हब इज़ अ मल्टी पोर्ट कनेक्टिंग डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू इंटरकनेक्ट लैन डिवाइसेस। हब आपका क्या करता है, देखा ही होगा लैन में क्या होता है। लैन है एक कंप्यूटर से बाकी के सारे कंप्यूटर आपस में, एक डिवाइस से बाकी के सारे यूज़र आपस में जुड़े होते हैं। तो ये किससे जुड़े होते हैं, ये किसी ना किसी हब से जुड़े होते हैं। तो हब आपका क्या है, एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें आपके ये लैन सारे कंप्यूटर के PC आपस इनके थ्रू केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये आपका हब कहलाता है। रिपीटर भी कुछ इसी तरीके से होता है। रिपीटर बूस्ट और एम्पलीफायर द सिग्नल बिफोर पासिंग इट थ्रू टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ केबल। रिपीटर आपको क्या करता है, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस सिग्नल को, ये सिग्नल को फिर से रिपीट करता है, तो ये बूस्ट करता है आपके सारी जो एक्टिविटी हो रही होती है। ये भी आपका एक कनेक्टिंग का ही काम करता है। नेक्स्ट आपका ब्रिज है। ब्रिज आपका मैन के लिए यूज़ होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। आप दो लाइन को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। लाइन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में अगर एक मैन बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी ब्रिज के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राउटर। राउटर एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें कई सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं, और वो कनेक्ट होता है एक कोई ना कोई सर्वर से, और जिसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपका राउटर से, राउटर कनेक्ट होता है आपका सर्वर से यानी कि इंटरनेट से। तो ये होता है हमारा राउटर। नेक्स्ट आपका आता है गेटवे। गेटवे जनरली जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, जैसे हम क्लाइंट हैं, ठीक है, हम क्लाइंट हैं, हम गूगल को या इन किसी भी इंटरनेट मीडियम का यूज़ करते हैं, तो वो पहले गेटवे बनता है, यानी कि वो गेटवे से ही आपका जाता है वर्कस्टेशन वेब सर्वर के पास। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आप लोगों को मिल सके।